द टाइम हैज कम। एक्चुअली मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है आज तक, मुझे हेयर कट करवाते हुए ऐसा डर नहीं लग रहा, लेकिन आज लग रहा है। आप ये जो लंबे लंबे बाल देख रहे हो आज कटने वाले हैं, एंड फाइनली हम लेने वाले हैं एक हेयर कट। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इनको 1.5-2 साल तक मैंने अच्छे से ग्रो आउट किया, इतनी लंबी लेंथ अचीव करी, मैंने जैसा अपना कभी नहीं देखा था वैसा देखा, और मेरे को उससे प्यार हो गया जिस तरीके का मैं दिखता था। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि यार अब शायद टाइम आ चुका है इनको कटवाने का, एंड आई थिंक आई डोंट नीड देम एनी मोर। पिछले वीडियो में काफी सारे कॉमेंट्स मैंने ऐसे भी पढ़े थे, सब बोल रहे थे कि लंबे बाल मत कटवाओ आपके ऊपर अच्छे लगे, तो बड़े ही मिक्स्ड कॉमेंट्स थे। बट मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट ये नहीं था कि ऑडियंस के चक्कर में किसी के बोलने पर सुनने पर अपने बालों को कटवाने का डिसीजन लिया। ये ऐसा डिसीजन है जो मैं अपने लिए ले रहा हूँ, एंड बहुत टाइम से मैंने हेयर स्टाइलिंग नहीं करी यार। मतलब आप समझ रहे हो, इन बालों में 1.5-2 साल तक बिना हेयर स्टाइल के कुछ भी ना दिखाना, आप लोगों को कॉन्टेंट भी नहीं ला पा रहा मैं। प्लस जो मेरे खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी मैंने इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बट नो मोर, आज इनको कटवाएंगे। एंड थोड़ा सा ना बियर्ड का भी सोचा हुआ है, तो आप पूरी की पूरी लुक देखना किस तरीके आने वाली। आखिरी बार मैं आपको अपने बाल दिखा रहा हूँ, देख लो कैसे लगते हैं, ऐसे जुल्फे जो बुक आती है। अभी मैंने फिलहाल इनको शैम्पू कर लिया है ताकि मुझे वहां पर जाकर एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। सही में 1.5-2 साल बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी केयर करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बालों की केयर से मुझे याद आया, आपको एक चीज बतानी है। कितनी वीडियो से मैंने बताया कि बालों को हेल्दी एंड अच्छा रखने के लिए यू नीड द राइट न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लीमेंटेशन। मैन मैटर्स हेयर गमीज, ये जो गमीज आप देख रहे हो यमी च्यूएबल फॉर्म में आती है, ये आपके बालों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जिसकी आपके बालों को बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, प्रमोट्स हेयर एंड बियर्ड ग्रोथ, मेक्स हेयर थिकर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड प्रिवेंट्स हेयर थिनिंग, reduces breakage, collagen production को stimulate करने के साथ साथ आपको बालों को aging से भी बचाता है। आपके diet में जितने भी nutrients होना जरूरी है वो इसमें है, biotin, zinc and multivitamins। Use करना भी काफी easy है, इसको अपने हाथ में लो, बस एक गमी इसमें से निकालो and that is it, खा लो टॉफी की तरह। इसको आप रोज खाओ 2-3 महीने के लिए, एंड इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 100% वेगन है, शुगर फ्री है, एंड साथ ही साथ जेलेटिन फ्री भी है। टेस्टी भी यार। अपनी डाइट में इनको जरूर ऐड करो ताकि आप हेयर लॉस से बच सको, एंड स्टार्ट केयरिंग फॉर योर हेयर बिफोर इट्स टू लेट यार। मैन मैटर्स इंडिया का सबसे पहला क्लिनिक है जो आपको प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स है जैसे कि आपके हेयर हो गया, स्किन हो गया, हाइजीन, सेक्सुअल वेलबीइंग, वेट एक्सेट्रा, सभी कैटेगरी है इनके पास। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऑनलाइन फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम सर्टिफाइड डॉक्टर्स। प्रोडक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन अलोंग विद द फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन। फ्री की चीजें किसे पसंद नहीं आती, डू चेक इट आउट। मैं बस एक डिलेमा में हूँ, जितने सारे मैंने जो बैंड्स खरीदे इनका मैं क्या करूंगा यार। मतलब एक बार ये बाल मैंने कटवा लिए उसके बाद ये बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले, और दूसरी बात ये कि आप देख रहे हो बियर्ड कहाँ जा रही है, देखो अपनी इसने डायरेक्शन पकड़ रखी है, तो इसको भी थोड़ा सेट करवाएंगे। ऑल्दो मेरे को अभी 2-3 दिन ही हुए जब मैंने इनको सेट करवाया था, प्रॉब्ली वो अच्छा काम नहीं कर पाया, बट आज हम थोड़ा प्रोफेशनल सैलों में जाने वाले हैं, एंड लेट मी शो यू कहाँ जाएंगे, एकदम से नहीं बताऊंगा, वेट करो थोड़ा। और इन बाल कटवा लूं फिर बाल कटवा लूं, बाल पहचान लेगी मुझे, तू मुझे पहचान लेगी, है मुझे पहचान लेगी। दिस इज द लेंथ, और अब देख के मुझे मन सा कर नहीं रहा कटवाने का। क्या बोलते भैया, पहले इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करके देखें कैसी आ रही है, बहुत मतलब हाँ हेयर कट करवाना और बियर्ड करवानी है। हेयर कट है, हाँ मीडियम शॉर्ट करके देखा, दिस इज द फाइनल लुक, एंड ये अचीव करवाई है इन भाई ने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिरोज है। फिरोज भाई, इतने लॉन्ग बाल काटे, एक घंटा लगा के तसल्ली से काम किया, और उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हो। मैंने भी अपनी पहली बार ऐसी लुक देखी है जो कि इतनी अमेजिंग आ रही हो, पूरा चेंज हो गया। ये भाई तो भी बोल रहे थे कि यार आप वही हो जिन्होंने दाढ़ी कटवाई थी, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो एग्जैक्टली वो चीज़ हुई है भाई। अभी आपको यहाँ पे आना हो तो ये प्रीत यार का लुक्स है, एंड फिरोज भाई साहब मिल सकते हो यहाँ पे, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो, उसके बाद आना। अब लेट्स गो होम एंड घर वालों का रिएक्शन जरा देखते हैं। मुझे पहचान नहीं पा रहा, वैसे तो ये दरवाजा खोल के आया था, तू भी नहीं पहचान पा रहा मुझे।
अजीब लग रहे हैं। अजीब चल मेरे शेर तू आगे चलते। आई नो काफी कॉमन है, काफी लोगों आपने इस लुक में देखा होगा, बट मेरे को अपने आपको देख करना बड़े टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं ही हुई नहीं। काफी लोगों को जितने को मैं जानता हूँ, मैंने उनको वीडियो कॉल करी, मैंने पूछा कि यार ये वाला करवा लूँ, ये वाला कैसे लग रहा है, जब मैंने मीडियम बाल करवाए थे सबने कहा मत कटवाओ और ज्यादा अजीब लगेंगे, बट आई वेंट विद द चॉइस विच माई हार्ट वॉन्टेड एंड फाइनली द लुक इज हेयर। काफी अच्छा काम किया है लुक सैरा ने भी, मुझे बड़ा मजा आया भाई उनका काम देखकर। अगर प्राइस की बात करूँ मेरे 650 रुपीज लगे हैं विद बियर्ड, और बहुत अच्छे से तसल्ली से काम किया गया, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में फटाफट निपटा दियो। ऑल्दो मेरी जो बियर्ड थी वो ज्यादा हैवी थी इससे पहले, बट मैंने सोचा कि वो ना फेड के साथ जाने दी, जो इससे पहले बियर्ड उसने करी थी बंदे ने मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी, लेकिन जब फेड लिया और उसके साथ थोड़ा सा और किया, जो दूसरा बंदा था जिन्होंने जो फिरोज भाई थे उन्होंने जब बाल काटे उसके साथ सेट करी तब ज्यादा बढ़िया किया था। पहले वाले का मुझे काम अच्छा लगा, पर प्रॉब्ली अगर थोड़ी सी भारी रखते बियर्ड को और ज्यादा मुझे अच्छी लगती। तो बस मैं अब रिएक्शंस के लिए वेट कर रहा हूँ, जितने भी आप लोगों ने देखे हैं अभी तक मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वाला हेयर कट कैसा लगा, पूरा प्रोसेस किस तरीके का लगा। यस, इतने लंबे बाल कटवा के आपको लगेगा कि यार मैं बहुत ही एक बड़ा चेंज ले रहा हूँ, एंड काफी लोग जो मेरे साथ ग्रो आउट कर रहे थे, अगर आपका मन कर रहा है ना मेरी मानो अपनी सुनो, जो आपका मन कर रहा है लंबे बाल रखे हैं वो रखो, छोटे करवाने हैं वो करवाओ, आई थिंक चेंज इज गुड। इतना ज्यादा जो हैवीपन मेरे बालों में मुझे फील हो रहा था जैसे ये हटे और मैंने हेलमेट पहना, मैंने कहा ये क्या है, ये ऐसे एकदम से क्या फील लग गया पीछे, और इससे मुझे करने में भी मजा आता है। टॉकिंग अबाउट चेंज, आई थिंक इट्स गुड, जिस तरीके से आप अडेप्ट करते हो लाइफ में, इवॉल्व करते हो, चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक जगह से आपको दूसरी जगह पहुंचने में हेल्प करता है। मेरे लिए चेंज मेरा हेयर स्टाइल था, आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, बस मेरा बोलने का ये मतलब है कि डोंट बी अफ्रेड टू चेंज। दैट अगेन आज का हेयर कट ब्लॉग हम खत्म करते हैं, एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो जो भी चेंजेस मैंने आप लोगों को दिखाया। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि भैया काफी मेहनत लगी है इसमें और काफी जज्बा और हिम्मत लगी है मेरे लिए बनाने में। हेयर कमीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इनको खरीद सकते हो, एंड आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, see you guys in the next one, now with a new haircut. कटवा लिया भाई, तुम्हारा रिएक्शन ले रहा हूँ सबके। अरे स्कूल का बच्चा लग रहा है। दो मिनट तक इसको समझ नहीं आया हो क्या रहा है, बहुत ही अजीब लग रहा है जो भी लग रहा है। ये क्या भाई, ये क्या है, मैं तो तेरे को सरप्राइज कर रहा हूँ, तूने मुझे कर दिया। कैसा रहा ये, ठीक लग रहा है।